I would like to call on Mr. Anubhav Sinha, the man of immense courage, talent and commitment. And I would main saath mein bulana chahungi Tapsee Pannu ko ki please aaiye aur mulk ke bare mein kuch baat kare. Please huge round of applause for Pannu. Over to you, sir. Jai Shri Ram. Assalamu alaikum. कुछ नहीं, बात बात नहीं करनी, पिक्चर देखो ना, जो करनी थी करनी पिक्चर। हाँ उसके क्या कहूंगा मैं, मतलब कल मुझे इतनी मुबारकबादें मिल रही थी कि आपने इतनी ब्रेव फिल्म बनाई, तो ये स्टेटमेंट हमारे देश की स्थिति को बयान करता है कि कुछ कहना ब्रेव हो गया है, अपनी सोसाइटी को क्रिटिसाइज करना ब्रेव हो गया है, तो ठीक है हो जाएंगे। कुछ नहीं बोला, मैंने जो बोला था पिक्चर में बोल दिया, आप प्लीज देखना, जब से निकली है बात, तक तो जरूर पहुंचेगी। आई फील थोड़ी सी वर्बोज है, जो जो कहना था सब कह दिया, कोर्ट में बहुत कुछ कहा हमने पिक्चर में। आई होप यू गाइस एंजॉय करें, मैं भाग जाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूं और थोड़ी एंजाइटी हो रही कि नंबर्स आएंगे तो शाम को उठूंगा तो पता चलेगा कुछ। हालांकि लोग कह रहे हैं कि तीनों पिक्चरों में सबसे बड़ी पिक्चर हमारी खुली है। डर नहीं है, डर किसने बोला, इसलिए आप सोने वाले हैं? नहीं नहीं, मेरे को नींद आ रही है, थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, डरता नहीं हूँ। इतने हम ग्रेट मुद्दे पे कह सकते हैं, सबसे पहले कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का करना है? और ये बातें कर चुके हैं, मतलब एक कहानी दिमाग में आई, कुछ बातें कहनी थी वो कह दी। जी सर, क्रिटिक्स का और पब्लिक का अच्छा रिव्यू आ रहा है, जी क्या कहेंगे? बहुत कमाल का रिव्यू है, मतलब मुझे इतने अच्छे रिव्यूज अपनी लाइफ में कभी नहीं मिले, चार चार पाँच पाँच स्टार दे रहे हैं लोग, बहुत सारे रिव्यूज का कहना है कि हर इंडियन को देखनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। थोड़ा डराता तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा कर देता है कि आई होप द होल कंट्री लाइक सर। जितनी भी सर द फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस चल रहा है, बट यू हैव राइट ओपन लेटर या समथिंग अबाउट इट, एज अ फिल्म बट यू फील सैड डिस्पाइट अ गुड वर्क बीइंग अप्रिशिएटेड। हां मतलब मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में फिल्म क्यों बैन की गई, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के नागरिक फिल्म देखें, जिस तरीके से उनको मिले वो देखें, और वो जज करें अपनी सरकार को कि वो हमें दोस्त बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं चाहते कि हम आपस में भाईचारे की बात करें, क्योंकि उस पर उनके किचन चलते हैं, और ये बातें आवाम को समझने की ज़रूरत है, पब्लिक को समझने की ज़रूरत है। मुझे कारण बताएं कि ये पिक्चर क्यों बैन की जानी चाहिए पाकिस्तान में, ना इसमें कोई भाषा की समस्या है, ना इसमें किसी मज़हब किसी समाज के बारे में कोई गलत बात की गई है, ना पाकिस्तान के बारे में कोई गलत बात की गई है, इंसानों का क्रिटिसिज्म है, वो अगर आपसे बर्दाश्त नहीं है तो फिर तो पता नहीं। मैं आई एम होपिंग कि इमरान खान साहब आए हैं, वो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। मेरी फिल्म तो खैर बैन हो गई है, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो अभी भी उसको रिवर्स कर सकते हैं तो करें। ये फिल्म ऐसी है जो हिंदुओं को मुसलमानों को देखनी चाहिए, क्योंकि ये प्यार की बात करती है। आपको ये सेम जवाब नहीं मिलता हर डायरेक्टर से इस सवाल का, कि बॉक्स ऑफिस पे तीन इस साइज की फिल्मों की जगह है, तीन फिल्में को एग्जिस्ट कर सकती हैं, और जाहिर है मुझे लगता है मेरी फिल्म सबसे अच्छी है। कब नहीं दिखाई जाती? काफी टाइम अभी बीच में भी काफी मसला हुआ था कि पाकिस्तानी एक्टर्स फिल्म्स ऐसे गलत है कि किसने सरकार ने बोला ऐसा? जब ए दिल मुश्किल की बात आई, नहीं नहीं सरकार ने बोला, हिंदुस्तानी सरकार, हिंदुस्तान की, एक सेकंड मेरी बात का जवाब दीजिए, क्या सरकार की किसी सरकारी संगठन ने सरकारी संस्थान ने ये मना किया कि आप पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम ना करें? हाँ भी नहीं बोला कि करना चाहिए उनको, नहीं नहीं नहीं, सरकार हर चीज पे थोड़ी बोलेगी तुमको ये करना चाहिए तुमको वो करना चाहिए, सरकार के पास 1 करोड़ काम है, आपको सरकार ने कभी मना नहीं किया कि आप पाकिस्तानी लोगों के साथ काम ना करें। हमारा देश पाकिस्तान के साथ बिजनेस करता है, दुनिया भर की चीज़ें पाकिस्तान के साथ, रिश्ते हैं, जा रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब, मतलब उनको बुलाया तो है ही, पता नहीं जा रहे हैं कि नहीं, मुझे पक्का पता नहीं है,
रिश्ते बनाने को वॉर से तो समझ नहीं रहा ना मसला, 70 साल से लड़ी रहे हो ना, तो थोड़ी दोस्ती प्यार करके देख लो, क्या पता वहाँ रास्ता हो कोई। और ये दोनों देशों के लोग कम से कम मैं देखता हूँ कोशिश तो करते रहते हैं। मोदी साहब ने बुलाया था जब वो अपनी ओथ ले रहे थे, अब इमरान साहब ने बुलाया जब वो ओथ ले रहे हैं, तो ये सब पहले हैं करनी चाहिए फिर इस किस्म की चीज़ें, क्योंकि हम उनका सिनेमा नहीं देखते। ये हमारी आपस की बातें, किसी भी सरकारी संस्थान ने ऐसा नहीं कहा कि आप पाकिस्तानी एक्टर्स को सिंगर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुल्क में पाकिस्तानी सिंगर ने गाना गाया है। एक और चीज़ जो आपके एंड में आपके लेटर में बोली थी कि वेदर यू वॉच इट लीगली और इलीगली आई डोंट मैटर, एट अ टाइम व्हेन वी आर ट्राइंग टू कर्ब इलीगल व्यूइंग ऑफ फिल्म्स एंड ऑन पायरेसी, व्हाई आर यू ट्राइंग टू प्रमोट इट इन दिस वे? आई एम नॉट प्रमोटिंग पायरेसी, प्लीज डू नॉट सेंसेशनलाइज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ये एक ऐसा युद्ध है जो उन लोगों के साथ लड़ा जाना है जो दो देशों के लोगों को भाईचारे की बात करने से रोकते हैं। तो अगर उसमें कुछ अनफेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो दिस इज अबाउट लव एंड इट्स माई फिल्म, आई ओन द फिल्म ऑब्वियसली विद माई पार्टनर मिस्टर दीपक मुकुट। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको गलत रास्ते से भी दिखती है तो देखिए, आपको क्या परेशानी है? मैं कोशिश कर रहा हूँ पायरेसी रुके, पर पायरेसी रुकती तो है नहीं, दुनिया में नहीं रुकती कहीं। हमारी हर फिल्म चौथे पांचवें दिन तीसरे दिन कभी दूसरे दिन पाकिस्तान बांग्लादेश हर जगह पहुंची जाती है। तो मैं कह रहा हूँ मेरी तरफ से कि नहीं, प्लीज़ देखिए और अपने आप से पूछिए और अपनी सरकार से पूछिए कि ये फिल्म क्यों बैन की तुमने। और मैं एज अ फिल्म मेकर जानना चाहता हूँ कि ये फिल्म पाकिस्तान में क्यों बैन हुई। एटलीस्ट मैं अगली बार अपनी फिल्म में वैसा नहीं करूँगा ताकि पाकिस्तान में बैन हो। नहीं नहीं, वो बेचारे बेरोजगार बच्चे हैं, उनको 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में बिठाया गया है कमरों में, उनकी गलती नहीं है, उनको जॉब दे नहीं सकते हम, तो हम उनको ये काम दे देते हैं कि 5-6 हज़ार रुपये ले लो और 10 हज़ार रुपये ले लो और यहाँ बैठ के नफरत उगलते रहो। मुझे उनके ऊपर तरस आता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन उनसे यही कहता हूँ कि बेटा अच्छा कुछ करियर ढूंढो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते सोचो। तुम नेशन बिल्डिंग का जो तुमको घुट्टी पिलाई गई है वो झूठी है, तुमको एक नेशन बिल्डिंग नहीं कर रहे हो। चलिए सर, आखिरी सवाल ये कि जस्ट अभी हम पब्लिक रिव्यू ऑडियंस का नीचे से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा मुझे जी अभी हम सामने आकर बोल लो भाई, तू जरा नहीं, मैं नहीं बोल सकता सर, इधर आ, आप बताइए कि एज एन डायरेक्टर क्या फील करते हैं आप? इनको दिखाई ना, उन्होंने कुछ बोला यार, प्लीज फैन तो कर लो। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बताइए पब्लिक रिव्यू बहुत, ये कह रहे हैं इनको पब्लिक रिव्यू अभी ये नीचे करके आए, इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सभी करके, पहला सभी तो बहुत अच्छा सब करके, तो जोर से बोलो ना, जय श्री राम। अभिनय जी आप इस फिल्म के अनुभव नाम है मेरा जी जी, होमवर्क करके तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा सवाल का जवाब, नहीं दूंगा फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे, नहीं दूंगा, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है। चलिए थैंक यू जी, मोदी जी को अप्रोच करेंगे आप फिल्म को देखने के लिए? तुम क्या हो, जर्नलिस्ट हो कि क्या हो? तुमको मेरा नाम नहीं पता, तुम राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री का नाम लेके मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हो? पूछो फिल्म को लिए आप अप्रोच करेंगे? मेरा नाम पता करो पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री बड़ा इतना बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री कौन होता है पता है? पता है सर, 140 करोड़ लोगों का नेता है वो, तभी से बात करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।